थैंक यू वेरी मच मैं शुक्र गुजार हूँ कासिम अली शाह साहब आपका आपने दावत दी और uh, मैं भी जिस तरह शाह साहब फरमा रहे थे कि लंबे अरसे हम सब लोग पढ़ा रहे हैं काम कर रहे हैं इससे पेशर के मैं अपनी बात करूं आप जरा साथ वाले की तरफ मुंह कर लीजिएगा ये जो लोग बैठे हुए हैं प्लीज साथ वाले की तरफ मुंह तो कीजिएगा और उनसे कहिए ये जो अड़े रहते हैं कहिए साथ वाले को ये जो अड़े रहते हैं यही सड़े रहते हैं <laughs> बात यही सड़े रहते जरा बे भाई मैंने एक आर्टिकल लिखा था आज से कई बरस पहले जब कभी ये मुझे ये जो क्रिएटर्स की बात हुई मैं लफ्ज दोस्त हूँ तो मैं लोगों से कहता हूँ कि जो भी आप कॉन्टेंट क्रिएट करें जो भी आप इन्फॉर्मेशन किसी को देना चाहते हैं लफ्ज़ों की हरमत का ज़रूर ख्याल रखें और मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था किबिला शाह साहब के उस्ताद हर्फ की हरमत का अमीन होता है उस्ताद आम आदमी नहीं होता वह आम लोगों को ज़बान अता करता है लबो लहजे अता करता है और चूंकि मेरा कपल कोचिंग के साथ तल्लुक़ है ये जो हस्बैंड वाइफ वाले एरियाज़ हैं तो यहाँ पर भी मैं कहता हूँ कि लफ्सों से ज़्यादा लहजे लहु लिहान करते हैं लफ्स शायद उतना तकलीफ ना दें चूंकि मैं डी में ट्रेनिंग करा रहा था तो हमारे कोई 18 से 19 या 19 से 20 ग्रेड के ऑफिसर्स थे जिनको हम ट्रेनिंग करा रहे थे तो वहां पर मैंने साहब से कहा कि अब चूंकि आप लोगों ने वापस चले जाना है कोई आठ हफ्ते का उनका कोर्स था तो मैंने कहा वापसी पे ना बेगम साहिबा के लिए जरा कपड़े वपड़े जोड़े लेकर जाइएगा तो एक साहब खड़े होकर मुझे कहने लगे लेके जाने होने जी मैंने कहा जिस तरह आप देते होंगे नजर आ गया बात पहुँच रही है ना तो हमें एज अ कॉन्टेंट राइटर जिसने शाह साहब फरमा रहे थे मेरा भी अकीदे का हिस्सा है कि अगर आप रिलेट नहीं करते ना तो आप रिलेट ही नहीं करते आपको रिलेट करना पड़ता है फिर कहीं जाकर अब कोई बात होती है मैं इसे कहता हूं कि जब कभी आप उस अपने बच्चों से बात करते वक्त आप फरमाते हैं कि ओ तुम्हें समझ नहीं आ रही तो मैं कहता हूँ बच्चे को कहना चाहिए लम्हा भर को रुकी मैं आईना लेके आता हूं और फिर से रिशात फरमाइएगा कि असल में असल में आपको समझ नहीं आ रही कि उसे समझ नहीं आ रही और जिस घड़ी आपको समझ आएगी उसे समझ नहीं आएगी आप सलीका ढूंढेंगे समझाने का अब तरीक़ा ढूंढेंगे समझाने का और जिस घड़ी आप ये सोच लेते हैं समझ लेते हैं फिर उस एतबार से आप आगे बढ़ सकते हैं लफ्ज़ तो होने की हैसियत से मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मेरा नाम एजाज़ बुखारी ज़रूर है तो आप एजाज मत कहा करें आप अजाज़ कह देते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है चूंकि लफ्ज़ दोस्त हों तो एक साहब थे जो कोई पचास साठ बरस से ऊपर थे हस्बैंड वाइफ मैं उनका मालिज था लाइफ कोच के तौर पर तो वो साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए और कासिम अली शाह साहब मुझे फरमाते हैं बखारी साहब मैंने कहा मैं एजाज बचा रहा था यहाँ तो बुखारी भी नहीं बचा और मुझे बड़ा तप चढ़ा मैंने कहा साहब हुआ क्या कह लगा जी होना की सी और फिर तुर गई जे वो फिर घर छोड़ के चली गई है और मैं का मैं का ना रहा वो भाई के घर जाके बैठ जाती है तो मुझे चूँकि वाकई बुखारी को बुखार कहने से बुखार ही आया हुआ था तो मैंने उससे कहा कि आप परेशान मत हों गमबड़ा मुद्रिकुल हकायक है और जिस घड़ी मैंने उनसे कहा गमबड़ा मुद्रिकुल हक है मुझे वह फरमाते एक गम मुझे पहले था एक तूने और लगा दिया तो क्या हम अपनी रोजमर्रा हमें इस तरस की उर्दू बोलते हैं हम नहीं बोलते लेकिन जब अंग्रेजी जबान की बारी आती है चूंकि मैं भी और असद साहब हम लोग अंग्रेजी जबान पढ़ाते हैं मेरा इदारा है जहां पर मेरे अलहमदुल्ला कुछ छ लाख से ज्यादा लोग ट्रेन किए हैं फिजिकली मैंने छब्बीस किताबें लिखी हैं मेरे अल्लाह के करम से <प्राथ> तो वो साहब जब मेरे पास यानी हम इस तरह नहीं बोलते मैं थोड़ी सी जो कि मौका मिला है तो मैं यहां नौजवान भी बैठे हैं बाकी लोग भी बैठे हैं तो मैं अंग्रेजी जबान के हवाले से एक छोटा सा आपके सामने एक वो एक रोल प्ले करूंगा और मैं चाहूंगा कि अगर इसको आप समझ लेंगे तो आपको अंग्रेजी बोलने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि शाह साहब खैर बांटने वालों में से हैं तो मैं उसी का मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपसे अर्ज करूँगा देखिए साहब जो अंग्रेज़ी ज़बान है चूंकि हम लोग सिखा रहे बड़े अरसे से अंग्रेज़ी ज़बान गम बड़ा मुद्रिकुल हकायक के हिसाब से हम बोलना चाहते हैं और इसीलिए हम बोल नहीं पाते हैं अब मैं जो आपके सामने एक रोल प्ले करूँगा उसमें मैं मिस्टर ए का और मिस्टर बी का रोल प्ले करूँगा एंड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे साथ ज़रा रहिएगा फिर मुझे फरमाएगा कि इसको समझने में आपको किस किस्म की दिक्कत हुई मैं जब यहां पर आवाज तो आती रहेगी ना यहां से या मुझे इसके करीब ही ज्यादा रहना पड़ेगा करीब ही रहना चले मैं यूं हाथ खड़ा कर देता हूं ए और बी का ये देखिए जब मिस्टर ए का मैं रोल प्ले करूंगा तो मैं ये वाला हाथ खड़ा करूंगा और जब मिस्टर बी का रोल प्ले करूंगा तो ये वाला हाथ खड़ा करूंगा मिस्टर ए गावन मिस्टर बी या गावन वे मार्केट मार्केट Why? Uh, to buy something. Something what? Some food items. Food for home. Obviously, family. Family got married. Yeah, got married. Great. Congratulations. Thank you. Bye. Yeah, अब देखिए दो लोगों में गुफगु तमाम हुई और एक लम्हे को भी मैंने ना जुमला बोला ना कोई मुश्किल लफ्ज़ बोला हम जब आपस में गुफ्तु करते हैं तो साहब टुकड़ों में मेरी इसके ऊपर छह किताबें हैं चंक्स के नाम से हम जब आपस में गुफ्तु करते हैं तो बात हम टुकड़ों में करते हैं मसलन साथ बैठे बैठे हम साथ फल से कहते हैं चलने है फिर वो कहते रुकना फिर कहते कि देर कहते दो मिनट कहते वेख लिया अब दोनों में गुफ्तु तमाम हुई और लम्हा भर को भी गैप नहीं आया तो साहब इस गुफ्तु का बुनियादी मकसद ये है कि हम एक दूसरे का खला पुर करते हैं हम एक दूसरे का क्या करते हैं खला पुर करते हैं और उसी से गुफ्तु आगे बढ़ती चली जाती है कंटेंट क्रिएटर के तौर पर मैं आप शेयर करूँगा कि खुदा रहा ये मेरे जितने भी बड़े दोस्त यहाँ बैठे हैं जिनसे कुछ से तो मेरी आज ही मुलाकात हुई असद साहब के साथ हमारी फ़ोन पर तो बात रहती है ये असर तो मेरी जान है इसके साथ तो किबला कासिम अली शाह साहब तो हम तो जाहिर आपके जेर असर हैं अल्लाह आपको सलामत रखे तो मैं आपसे ये बात अर्ज करूँगा खुदारा लफ्सों का ख्याल रखिए आज हमने जिन लोगों को सुना वो लफ्स दोस्त थे वो लफ्ज की हरमत का ध्यान रखते थे और हम वैसे नहीं बन पाए हमें कोशिश करनी चाहिए आप जिस भी जबान को हम मेरी मैं बुनियाद तौर पर सराकी जबान बोलने वाला हूँ मेरी जबान सराकी है तो मुझे लोग कहते सराइकी बड़ी मीठी जबान है मैं उनसे कहता हूं हर मां बोली मीठी होती है चूंकि वो मां की बोली होती है बात पहुंच रही है ना वो तो कैसे हो सकते वो कड़वी है तो आप और हमने अपनी जबान का भरम रखना है वो सिर्फ इसी तौर पर हम रख सकते हैं जब आप इसे मोहब्बत और अकीदत के साथ अपने लफ्सों का ख्याल रखेंगे और मैं अपने आप को शायद वाहिद पाकिस्तानी समझता हूँ जिसने फिंग्लिश और इंग्लिश का कॉन्सेप्ट दिया था कि वी टीच इंग्लिश इंग्लिश मेरा बल्कि एम फिल का थीसिस भी मैंने इसी पे लिखा था कि आपको ये थोड़ा करवा दू अगर आप साथ वाले की तरफ मुंह करके एक दफा कहते जितना मुंह समय टेढ़ा होता है उतना फीफल कहते वक्त नहीं होता और हम कहते मैं मुंह टेढ़ा करू मैं फीबो ऐसे बोलू और फिर ये लोगों को जब हम कहते हैं कि ठी अंग्रेज बोलता है तो ये कहते मैं ठोकर गया था और टोटल से पेट्रोल डलवाया हम कहते भाई ठोकर गए थे तो टोटल से पेट्रोल डलवा लेना था ना क्योंकि तुम्हारी जबान तो तुम्हें नहीं रोक रही अब साथ वाले की तरफ मुँह करके कहिए गवाह रहना कहिए साथ वाले की तरफ गवाह रहना मुझे बदलने से मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का Thank you very much, Ijasap.